नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। बड़गोंद पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। 5 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के एक सूने मकान में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने आत्महत्या के मामले को संदिग्ध मानते हुए उस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने विवेचना के दौरान मौत को संदिग्ध मानते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक महिला कमली बाई ने क्षेत्र के मजदूर रमेश बिलाला को जेबर गिरवी रखकर पैसे दिए थे। बाद में आरोपी रमेश बिलाला द्वारा जब 1,000 रुपए वापस देकर रकम मांगी गई तो कमली बाई द्वारा 1,000 ब्याज के रूप में रखकर रकम देने से मना कर दी, जिसके बाद रमेश महिला से रंजिश रखता था। रंजिश के चलते रमेश बिलाला ने 3 सितंबर की देर रात महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसे कमरे में रस्सी से फांसी की तरह लटका दिया। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों में उसकी पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रजातंत्र टीवी के लिए महू से सुनील काले की रिपोर्ट। सितंबर को थाना बड़गोंदा में सूचना मिली थी कि आशापुर खदान के पास एक कमरे में एक बुजुर्ग महिला की लाश टंगी हुई है। तत्काल ही मौके पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ और एसटीओपी पहुंचे, एफएसएल की टीम को बुलाया और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था जैसे कि